कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी इतने कंफ्यूज क्यों हैं? ये सवाल इसलिए उठ खड़ा हुआ है क्योंकि एमपी के चुनावी रण में प्रचार कर रहे राहुल गांधी ने शिवराज सिंह चौहान और उनके बेटे कार्तिक चौहान पर ऐसा बयान दिया जिसके एक दिन के बाद ही उनके बयान पर किस तरीके से उनको गलती भी माननी पड़ी है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने पनामा पेपर्स मामले में शिवराज और उनके बेटे का नाम लेने की गलती मान ली है। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी में इतना भ्रष्टाचार है कि मैं कंफ्यूज हो गया था। तो राहुल गांधी ने आगे कहा कि मध्य प्रदेश के सीएम ने पनामा नहीं किया है, उन्होंने तो ई टेंडरिंग और व्यापम घोटाला किया है। इससे पहले एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी पर आपराधिक मानहानि का केस करने की बात कही थी और उसी बाद राहुल गांधी ने किस तरीके से सफाई दी इस पूरे मामले को लेकर। तो पनामा पेपर लीक मामले में सीएम शिवराज के बेटे कार्तिक का नाम लेने पर राहुल गांधी की सफाई सामने आई है। राहुल गांधी ने कहा कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह के बेटे को लेकर उन्हें कंफ्यूजन हो गया था, हालांकि अब उन्होंने शिवराज सिंह पर व्यापम घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया है। इतना भ्रष्टाचार है, दाएं बाएं इतने स्कैम्स हैं कि मैं कल कंफ्यूज हो गया। कल मैंने नहीं, कल मैं कंफ्यूज हो गया। कल मैंने सोचा कि पैनामा पेपर वाला इतना कंफ्यूजन है, इतने स्कैम्स हैं कि मैंने सोचा भाई पैनामा वाला मध्य प्रदेश के सीएम ने किया। नहीं, पैनामा वाला मध्य प्रदेश के सीएम ने नहीं किया, मगर व्यापम वाला और वो ई टेंडरिंग वाला जरूर मध्य प्रदेश के सीएम। तो व्यापम वाला तो याद था राहुल गांधी को, लेकिन ई टेंडरिंग वाला जो मामला था वो वहां पर कमलनाथ उनको बता रहे थे कि क्या कुछ हुआ था। अब जरा समझिए कि क्या कुछ कहा था राहुल गांधी ने कार्तिकेय को लेकर, जरा वो भी सुनिए। मामा जी के जो बेटा बेटे हैं, पैनामा पेपर्स में उनका नाम निकलता है। नवाज शरीफ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का नाम निकलता है, पाकिस्तान जैसे देश में उसको जेल में डाल देते हैं, मगर यहां चीफ मिनिस्टर का बेटा उसका नाम पैनामा पेपर में निकलता है तो कोई कार्रवाई नहीं होती। तो एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी से माफी मांगने की मांग की है। शिवराज ने कहा है कि अगर राहुल गांधी माफी नहीं मांगते तो उनके ऊपर मानहानि का मुकदमा करेंगे। गली का चौराहे का नुक्कड़ का नेता आरोप लगाता अलग बात थी, लेकिन कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीमान राहुल गांधी बिना सोचे समझे या सोच समझ के, और बेटा तो राजनीति में है ही नहीं, अभी अभी उसने पढ़ाई पूरी की है, उसका नाम ले दिया। मैं सोचता हूं कि राजनीति किस घटिया स्तर पर नहीं उतरना चाहिए। आपने कहा कांग्रेस मेरे विरोध में अंधी हो गई है, इसलिए रोज आरोप झूठे लगाती रहती है, और हमने तो ये तय किया है कि इन झूठे आरोपों के खिलाफ हम मानहानि। मुख्यमंत्री जी, आपको उन्होंने माफी मांगी है, गलती मान ली है, तो क्या अभी भी आप कोर्ट जाएंगे? नहीं, वो माफी मांगेंगे तो जरूर विचार करेंगे। और चलिए, ज्यादा जानकारी देने के लिए जी मीडिया संवाददाता पवन त्रिपाठी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। पवन, मुझे बताइए कि कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी चुनाव प्रचार कर रहे हैं और इतनी बड़ी गलती, और उस पर जो सफाई दी जा रही है वो भी क्या जायज है? इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? जी बिल्कुल, हम पहले से ही जानते हैं कि राहुल गांधी अक्सर ये कैसे नजर आते हैं कि उनकी जबान भिसक गई और वो चीजों को भूल गए। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। आज जो इंदौर में उन्होंने एडिटर और जर्नलिस्ट के साथ एक मीटिंग की थी, उसमें उन्होंने अपनी गलती मानी और ये बताया है कि जहाँ वो निशाना रमन सिंह साधने वाले थे, वही वो निशाना शिवराज सिंह पर हो गया। उन्होंने ये भी जिक्र किया कि व्यापम और भी घोटाले शिवराज सिंह के लिए जो बोलने थे वो भूल गए, और उसकी जगह उन्होंने जो पनामा लीक्स का मामला था वो सामने आ गया। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी इस तरीके की गलतियां कई बार कर चुके हैं और उस पर कई बार माफी भी मांग चुके हैं। इस बार भी कुछ ऐसा हुआ है और उन्होंने पवन बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, चुनावी रैली को संबोधित कर रहे हैं राहुल गांधी, क्या चुनावों को लेकर उतना सीरियस नहीं है कि कुछ भी बोल जाते हैं और उसके बाद जो माफी दी जा रही है वो भी किस तरीके से दी जा रही है? कई सवाल बहरहाल यहाँ पर उठ खड़े हुए हैं इस मामले के बाद। आपसे आगे भी अपडेट लेंगे, जानकारी देने के लिए धन्यवाद।